पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए दाऊ नोट छापने के किसी टकसाल या फिर कारखाने से कम नहीं है। इस मोस्ट वांटेड अपराधी की तलाश तो हिंदुस्तान क्या खुद को दुनिया की सुपर पावर बताने वाले अमेरिका को भी है। जराइम की दुनिया के ऐसे खूंखार और पाकिस्तान के चहेते मोस्ट वांटेड दाऊद की देहरी पर पांव रखने की बात तो भुला देने में ही खैरियत समझिए। ऐसा नहीं है कि आज मैं सिर्फ आपको दाऊद की दबंगई की कहानी ही सुनवाऊंगा, वरन आपको उस शख्स की बुलंद आवाज भी सुनवाऊंगा जो आज भी रखता है दाऊद की अरबों की कीमत वाली तमाम आलिशान इमारतों में पब्लिक टॉयलेट खुलवाने की तमन्ना और दमखम। ये बातचीत यूं उठती है कि दाऊद की एक्टिविटीज और दाऊद के गैंग की क्रियाशीलता के बाद हमने कहा भाई आप लोग चूड़ी क्यों नहीं कसरत दाऊद इब्राहिम के ऊपर, उसकी प्रॉपर्टीज ने इतने बॉम्ब ब्लास्ट करा दिए होते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज आप नीलाम नहीं करा पाए 20 साल में इस बात को लेकर के। तो इसका प्रॉपर्टी का कोई लेने नहीं आता, अगर लेने नहीं आता है तो कम से कम फाल से खुल ही सकते हैं, शौचालय तो खुल सकता है। अब आपको विश्वास हो गया होगा कि कहानी में सच्चाई और दम दोनों सलीके से पिरोए हुए हैं और दाऊद से डॉन की ये वो अनकही कहानी है जो आज से पहले आपने कभी नहीं सुनी होगी। जराइम की दुनिया की वो कहानी जिसमें दाऊद को खुला चैलेंज करने वाला आज भी जमाने में मौजूद है हमारी आपके बीच, तो लीजिए सुन लीजिए बतौर टेलर यूपी पुलिस के इस शार्प शूटर एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की बेबाक बोली। तो संसाधन कभी दिक्कत में नहीं आएंगे अगर इच्छा शक्ति आपकी है, और जब दाऊद के मकान और प्रॉपर्टी कह रहे थे कि बिके नहीं 20 साल तक, तो मैंने यही कहा प्रॉपर्टी लेने वाले मान लिया डर गए, लेकिन आप तो उसको अपने कब्जे में लेके पुलिस कार्यालय थाने चौकी अस्पताल में तो बना सकते थे, आपने नहीं बनाया क्योंकि दाऊद की प्रॉपर्टी लेने का आपने साहस नहीं था। जी हाँ, इस बेलाग रोबिली आवाज को सुनकर आप समझ गए होंगे कि आज मैं यहाँ दाऊद को खुली चुनौती दे रहे किसी भीड़ के इंसान को तलाश कर नहीं लाया हूँ। ये वो बिरली शख्सियत है जो इंसानों की भीड़ में भी खुद की अलग धाक और धमक बरकरार रखने की चाहत में किसी भी हद में कभी नहीं बंधा। ये मैंने पहले भी तत्कालीन पुलिस महानिदेशक महाराष्ट्र से कहा था, ये आप लोग दाऊद की प्रॉपर्टी के साथ कोई लेने नहीं आ रहा हमारे करके, हमने कहा लेने नहीं आ रहे तो हम हाथ से हाथ भरे बैठे हैं, हम क्यों उसमें थाने चौकी अपने दफ्तर खोल लेते हैं, ऑफिस स्पेस की तो हमेशा जरूरत पड़ती है। तो लीजिए अब आप खुद ही मिल लीजिए दबंग पुलिसिया निशानेबाज यानी शार्प शूटर से, मतलब 1974 बैच के पूर्व आईपीएस विक्रम सिंह से। ये जो मैं बात बता रहा हूँ, जब डीजी महाराज से तब बात हुई, गुलशन कुमार हत्याकांड हुआ था, ये बात है गुलशन कुमार हत्याकांड एक बात की, आप निकाल लीजिए जरा 90s की बात होगी। हाँ, जब अबू सलम ने हत्या की थी, अबू सलम ने हत्या की थी दाऊद इब्राहिम और ये जो तुम्हारा ये जो म्यूजिक डायरेक्टर थे जिसका नाम आया था नदीम शमन का नाम आया था, इनका नाम आया, तो भाई आप असहाय कैसे हो गए, पुलिस कब से असहाय होने लगी। यह कुबत या जज्बा विक्रम सिंह से किसी बिरले अफसर में ही देखने सुनने को मिल सकता है जो 11 साल पहले यानी अप्रैल मई 2010 में यूपी जैसे सूबे के सबसे बड़े सहा यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के पद से रिटायर होने के बाद भी जमाने की भीड़ में खुद को खोना नहीं चाहता, जो 71 साल की उम्र में भी खुद को बूढ़ा या रिटायर मानने को कतई राजी नहीं है, जो इस उम्र में भी दुनिया के मोस्ट वांटेड दाऊद को दे रहा है खुली चुनौती, जो भेज रहा है कभी मुंबई में अपने ही समकक्ष रहे एक आला पुलिस अफसर को 100-100 लानत मलामत। ये बातचीत यूं उठती है कि दाऊद की एक्टिविटीज और दाऊद के गैंग की क्रियाशीलता के बाद हमने कहा भाई आप लोग चूड़ी क्यों नहीं कसरत दाऊद इब्राहिम के ऊपर, उसकी प्रॉपर्टीज ने इतने बॉम्ब ब्लास्ट करा दिए होते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज आप नीलाम नहीं करा पाए 20 साल में इस बात को लेकर के। तो इसका प्रॉपर्टी का कोई लेने नहीं आता, अगर लेने नहीं आता है तो कम से कम फाल से खुल ही सकते हैं, शौचालय तो खुल सकता है, कुछ नहीं तो शौचालय ही खुलवा दीजिए, सार्वजनिक शौचालय एक नसीहत तो जाएगी है वो बाकी, लेकिन पुलिस कार्यालय खुल सकते थे, थाने खुल सकते थे, चौकी खुल सकती थी, अस्पताल खुल सकते। 1980 और 1990 के दशक में भारतीय पुलिस के शार्प शूटरों की
टॉप 10 की सूची में शुमार रहे। विक्रम सिंह की तो वो हसरत भी सुन लीजिए जिसे शायद आज खुद दाऊद भी गलतफहमी या पहली नजर में मजाक न समझ बैठे। 48 घंटे में सब थाने चौकी में तब्दील हो जाते, 48 घंटे में, 49 घंटे जो भी कानूनी प्रक्रिया होती है उसको करने में 48 घंटे में मतलब, जैसे कि एसटीएफ मैंने कराया। शौचालय भी बनता क्योंकि केवल उसकी, क्योंकि वो भव्य जो अट्टालिकाएं थी उनमें शौचालय केवल बनाना वो तो उचित नहीं होता। हाँ, संदेश अगर देना होता तो ये मैं जरूर बता देता कि ये कि यहाँ एक भाग जो होगा थाने चौकी होगा और पिछवाड़े में सार्वजनिक शौचालय भी बनेगा। यह तो था जमाने के सबसे बड़े डॉन यानी दाऊद को बेखौफ हिंदुस्तानी पुलिस अफसर का खुला चैलेंज। इसी तरह की बिना लाग लपेट क्राइम की दुनिया की और तमाम अनकही कहानियों के लिए आप आइंदा भी जुड़े रहिए हमारे साथ। टीवी 9 भारतवर्ष के लिए संजीव चौहान की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे टीवी 9 भारतवर्ष पर।